नेत्रहीन युवक ने अपने देश और गांव माखन नगर का नाम किया विदेश में रोशन। होशंगाबाद जिले के माखन नगर बवाई के ग्राम सुखवारा के निवासी दिव्यांग युवक दुर्गेश यादव ने मैं क्वालिफायर करते हुए चीन एवं उज्बेकिस्तान को हराकर अपना विदेश जाने का रास्ता साफ कर लिया। उनकी इस उपलब्धि का पूरे यादव समाज गोविंद है, उनको बढ़ाया का दौर जारी है। मीडिया के साथ ही नेतागण, वरिष्ठ नागरिक, शिक्षकगण, समाज सेवा लोगों ने दुर्गेश यादव की इस उपलब्धि पर उनको बधाइयां दी है और कहा कि यह माखन नगर बवाई के लिए बड़े ही गर्व की बात है। मेरा नाम प्रवीण भटेले है और हम लोग भोपाल से एकेडमी चलाते हैं, जो ब्लाइंड बच्चों की एकेडमी है। और कुल मध्य प्रदेश से 1956 में मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ, उसके बाद अभी 5 बच्चे पैरा ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ये 5 बच्चे इंग्लैंड जाएंगे और पहले हमारे 4 बच्चे गए थे, वो इंग्लैंड से कॉमनवेल्थ से 3 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल लेके आए थे। और विशेष बात है कि अभी 90 किलो में देवेंद्र यादव, हमारे देश को ये ब्लाइंड जूडो खिलाड़ी मिल गया है, जो चाइना, उज्बेकिस्तान सबको हराकर आगे पैरालंपिक टोक्यो खेलेगा, क्वालिफाई करेगा। दिव्यांग खिलाड़ी दुर्गेश यादव आज अपने कोच के साथ अपनी निजी ग्राम सुखवारा बवाई पहुंचे। पूरे रास्ते में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कोच शिखर में पहुंचाने में किन किन साथियों का, लोगों का, उस्ताद का हाथ रहा है, बताइए इस बारे में विस्तार से बताएं। जी, मैं एक छोटे से गांव से करौड़ा फान से हूँ, श्री राम व्यामशाला से हूँ। मेरे को सभी लोगों ने मदद की, पूरा मेरा परिवार ने, गांव ने, सभी लोगों ने, पूरे ग्रामीण लोगों ने, सभी लोगों से मदद के हिसाब से मैं वहां तक पहुंचा हूँ। आगे और क्या अपेक्षा, कहाँ तक और जाना चाहेंगे? अभी तो आप विदेश पहुँच गए, विदेश के बाद और कहाँ जाना चाहेंगे? मैं सर पैरा ओलंपिक खेलना चाहता हूँ। जी जी, आगे और क्या सपना, क्या बनना चाहेंगे? सर मैं पैरा ओलंपिक खेलने के बाद फिर मेरे को मतलब ऐसा, मैं जूडो स्पोर्ट मतलब करता रहूंगा आगे तक।